न्यूज 36 के जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार। और अभी बेरा है प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर ला फटाफट अंदाज में देखे के, तो चला देखथन खबर हा कन के। राजधानी में कोरोना ला लेके प्रशासन हा शुरू करी सख्ती। नवा बच्छर के जश्न में 100 ले ज्यादा लोगन के एकजुट होए में लगाए गए बैन। समारोह पर अभी केवल 7 होटल वाला मन ही मांगी अनुमति। हर कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगी अनिवार्य। सूरजपुर रामानुज नगर के विसुनपुर गांव में 10 गात्र के भोजन करे के बाद लगभग 66 ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के हुई शिकार। 35 महिला और लैकन जिला अस्पताल में भर्ती। भोजन के बाद 50 लोगन उल्टी और दस्त लेहे ग्रसित। कोंडागांव भाजपा के दबंग नेता पूर्व विधायक मंगल राम उसेंडी के रायपुर के एक निजी अस्पताल में हुई निधन। काफी दिन ले चलत रहिस अस्वस्थ। मंगल राम उसेंडी पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री लता उसेंडी के रहिस पिता। भारतीय जनता पार्टी पर अपूर्णीय क्षति। शक्ति जिला में थाना प्रभारी के 5,000 रुपया महीना लेके ढाबा में शराब बेचे और पिलाए के छूट दे के इस मामला। एक ढाबा संचालक थाना प्रभारी ले अनुमति लेके शराब बेचे के करत काम। ढाबा संचालक के बयान हा शक्ति पुलिस के कार्य प्रणाली ऊपर खड़ा करत है सवाल। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में बदमाश मन चोरी के वारदात ला दीन अंजाम। राजकिशोर नगर के कल्याण बाग में रहैया सच्चिदानंद मंगलानी ट्रांसपोर्ट के सुन्ना मकान के ताला तोड़ चोर मन 5 लाख कैश और 7.5 लाख रुपया के गहना में करीन हाथ साफ। अंबिकापुर में अलग अलग जगह में भालू के हमला ले 2 युवक गंभीर रूप से हुई घायल। कुसमी के पोड़ीपा गांव में खेत में बैला चराए गए युवक ऊपर 2 भालू मन करीन हमला। तो उन्हें लकड़ी लेहे जंगल गए सेमरसोद के ग्राम कंडा में भालू के हमला ले 1 युवक हुई घायल। घायल मल्ला अस्पताल में कराए गई भर्ती। भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिला इकाई हर नगर निगम में महापौर ऊपर अनियमितता और मनमानी के आरोप लगात एक बड़का आंदोलन के करत है तैयारी। 29 दिसंबर के भाजपा शहर जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व में नगर निगम के करे जाही घेराव। धमतरी नगरी के परसवानी में तेंदुआ के मिली नर शावक। डॉक्टरी जांच के बाद रायपुर जंगल सफारी के वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ ला सौंपीस वन विभाग। माँ के नहीं ले जाए माँ शावक ला अपन संरक्षण में लिहिस वन विभाग। गौरेला पेंड्रा मरवाही में कस्टम मिलिंग में लगे धान ले ओवरलोड ट्रक हा सामने ले आवत कार ला जोरदार मारी टक्कर। कार के सामने के हिस्सा पूरा तरह हुई क्षतिग्रस्त। सेमरा आईटीआई के प्यून दुर्गा प्रसाद मरकाम समेत 3 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कोंडा गांव में एक वृद्धा के तकलीफ ल देखत वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण दत्त उपाध्याय हा सोशल मीडिया में करिस पोस्ट। जिला कलेक्टर और एसडीएम हा मसला ला गंभीरता से लेवत फूड इंस्पेक्टर ला तुरंत वृद्धा ला राशन दिवाए के दिस निर्देश। वृद्ध महिला ला तुरंत चाउर शक्कर गुड़ नमक करे गए प्रदान। महिला का ना पैसा नहीं होए मा वरिष्ठ पत्रकार हा 61 रुपया दे के वृद्ध महिला के करी सहयोग। बिलासपुर एनटीपीसी सीपत में बालिका सशक्तिकरण अभियान के शीतकालीन कार्यशाला के हुई शुभारंभ। छात्रा मन के मानसिक और बौद्धिक विकास के संगे संग सिखाए जावत है जीवन जिए के कला। योगा और मेडिटेशन के माध्यम ले पर्यावरण और प्रकृति ले जुड़ाव के दी गई जानकारी। मई जून में आयोजित हुए बालिका सशक्तिकरण अभियान में चयनित 10 लड़का मन ला एनटीपीसी बाल भारती पब्लिक स्कूल में दिलाए गए दाखिला, जेखर एनटीपीसी करत है खर्चा के निर्वहन। 28 दिसंबर तक चलैया आयोजन में संगवारी महिला समिति समेत एनटीपीसी के अधिकारी कर्मचारी मन के योगदान है सराहनीय। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र में नौकरी लगाए के गांव में ठगी के आई मामला। आर्मी और वन विभाग में नौकरी लगवाए के झांसा दे के 3 लोगन ला 10 लाख रुपया ले ज्यादा के लगाए गए चूना। मामला थाना पहुंचे के बाद सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी निवासी आरोपी दिलीप कुमार साहू ला करे गए गिरफ्तार। सरगुजा स्थित सीतापुर के 19 मजदूर ला महाराष्ट्र के बड्डी जिला में बनाए गए बंधक। ज्यादा मजदूरी के लालच दे के ले गए रहिस महाराष्ट्र। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम नकना बटई केला के है सब्बो मजदूर। बंधक बनाए मजदूर मन ला वापस लाए बर प्रशासन हा 5 सदस्यीय टीम के करिस गठन। बिलासपुर में दुष्कर्मी पिता के गिरफ्तारी बर नेहरू चौक में धरना में बैठीस महिला। पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऊपर उठाई सवाल। पीड़ित 9 बच्छर के नूनी सी डब्ल्यू सी कन्हे कैद। समर्थन देवत आप पार्टी के कार्यकर्ता
सीडब्ल्यूसी चेयरमैन के घर के सामने जम के मचाई हंगामा। फैक्ट्री मालिक पिता ऊपर नूनी के साथ रेप करे के है आरोप। रायगढ़ चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के भेलवा टिकरा गांव के जंगल में नर कंकाल मिले गांव में फैली सनसनी। बोर्राही पहाड़ी में लकड़ी ले गए गांव के लोगन संदिग्ध परिस्थिति में देखी नर कंकाल। 3 महीना ले 16 बच्छर के किशोरी रही लापता। शालिनी चौहान के रूप में करे गई मृतिका के पहचान। घटना स्थल ले मोबाइल और कपड़ा पुलिस करी बरामद। सूरजपुर बसदेई थाना के नवापारा गांव में एक किसान के घर में लाश मिले ले इलाका में फैली सनसनी। बदबू आए में लोगन पुलिस लदीन सूचना। 30 वर्षीय भारत राजवाड़े के रूप में हुई मृतक के पहचान। मामला के जांच में जुटी पुलिस। राजीव नवा मेला मैदान में भूमि खाली करवाए पहुंचे प्रशासन के खिलाफ फसल लगाए किसान मन जम के करीन प्रदर्शन। ये दौरान पुलिस और ग्रामीण मन के बीच हुई झड़प। प्रशासन हर राजीव नवा मेला मैदान ला 60 एकड़ नवा मेला मैदान बनाए के करत तैयारी। बुलडोजर दौड़ा थी फैसिंग तार ले फंस के गिरी से एक महिला। फटाफट अंदाज मा आप मन बर अउ खबर लेके आबो। तब तक देखत रहा न्यूज 36।